कहानी के स्टार्ट में क्वेन बोलती है कि बेन देखो वही है वो जगह जिसकी तुम्हें खबर मिली थी। बेन बोलता है कि खबर पक्की तो है ना बेन। फिर बेन बोलता है कि खबर तो पक्की है पर मुझे दाल में कुछ काला सा लग रहा है। और यहाँ पर ये लोग देखते हैं तो यहाँ पर एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ होता है। इसके बाद यहाँ पर केविन उस दरवाजे को खोलता है तो उसमें से बहुत सारे डीएनए एलियंस निकलते हैं और वो केविन के ऊपर हमला कर देते हैं। क्वेन देखती है तो केविन मुसीबत में है तो उसकी मदद वो करने लगती है। और फिर बेन यहाँ पर स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर वो डीएनए एलियन को वहाँ पर मारने लगता है। यहाँ पर बेन डीएनए एलियन के मुंह पे जाला चिपका के बोलता है कि उसे निकालो मत, उससे तुम्हारी खूबसूरती बढ़ेगी। और फिर यहाँ पर और भी सारे डीएनए एलियन आ जाते हैं और वो बेन के ऊपर हमला करने लगते हैं। और दूसरी तरफ क्वेन को डीएनए एलियन ने अपने कब्जे में ले लिया होता है। तभी स्पाइडर मंकी आता है और बहुत बुरी तरह से डीएनए एलियन को मारने लगता है और वो केविन को मुसीबत में देखते हुए केविन के पास जाता है और उन डीएनए एलियन को मार के वहाँ से भगा देता है। और फिर स्पाइडर मंकी केविन को उठाता है। तभी केविन बोलता है कि क्या बात है, मैंने पहली बार तुम्हें इतना अच्छा फाइट करते हुए देखा। और फिर यहाँ पर स्पाइडर मंकी आ करने लगता है पर केविन बोलता है कि तुम नहीं हो बेन। और फिर हमें यहाँ पर पता चलता है बेन तो बगल में डला हुआ है। और फिर वो स्पाइडर मंकी बेन के पास जाता है, वो बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना दोस्त। और फिर तभी बेन बोलता है कि वेल मैं आपकी जज्बातों की कदर करता हूँ पर आप जो मुझे देख पा रहे हो मैं वो नहीं। और फिर बेन अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है, वो बोलता है कि मेरे पास ही ओमनीट्रिक्स है जिससे मैं किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। स्पाइडर मंकी बोलता है कि ओ तुम बेन टेनिसन तो नहीं हो, वो मशहूर बेन टेनिसन। बेन बोलता है कि हाँ मैं वही हूँ पर तुम मेरी मदद करोगे उन डीएनए एलियंस को पकड़ने में। स्पाइडर मंकी बोलता है कि आप लोग मुझसे और उम्मीद की मदद मत रखना, मुझे कुछ अपने काम करने हैं। और फिर इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो हमें केविन और बेन को दिखाया जाता है। यहाँ पर केविन बोलता है कि बेन अभी तक तुमने ये नहीं पूछा कि मेरे हाथ में क्या है। और फिर बेन बोलता है कि मैं उस स्पाइडर मंकी के बारे में सोच रहा हूँ जिसने मेरी जान बचाई और तुम्हारी भी। और फिर यहाँ पर क्वेन आ जाती है, वो केविन से बोलती है कि ये क्या है केविन। केविन बोलता है कि पता नहीं, वो डीएनए एलियंस के पास से मुझे ये मिला था। क्वेन बोलती है कि ग्रैंडफा मैक्स के पास भी कुछ ऐसा ही था, वो उसका बटन दबाते थे उसमें से कुछ एसिड बाहर निकलता। और फिर केविन बोलता है कि डीएनए एलियंस इतना तेज एसिड इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमें स्पाइडर मंकी दिखाया होता है जो एक लैब से चोरी करके वहां से भाग रहा होता है। उसके पीछे पुलिस ऑफिसर भी होते हैं और यहां पर पुलिस ऑफिसर उसको थोड़ी देर में पकड़ लेते हैं। तभी यहां पर गूप आ जाता है और यहां पर बेन बोलता है कि मुझे पता था कि तुम यहीं पर मिलोगे। स्पाइडर मंकी बोलता है कि मैं यहां पर कुछ अपने औजार लेने के लिए आया। और फिर बेन बोलता है कि ये तो सरासर चोरी है सेम। और फिर यहां पर सेम एक ऑफिसर की बंदूक को छीन लेता है और बेन उसको जकड़ के वहां से भाग जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो हमें बेन और सेम को दिखाया जाता है। यहां पर बेन बोलता है देखो तुमने मेरी मदद की थी इसलिए तुम्हारा कर्ज है मेरे ऊपर और तुम सरासर ऐसी चोरी नहीं कर सकते हो। और यहां पर सेम बेन को धक्का देता है, बोलता है कि मैं चोर नहीं हूं। वो बोलता है कि मेरा नाम प्रिंस सिमियन है। और फिर बेन बोलता है कि प्रिंस सिमियन मैं समझा नहीं। वो बोलता है कि मैं अरेकना प्लानेट का रहने वाला हूँ और हमारे प्लानेट का एक महान योद्धा जिसका नाम था जेफ्रे और एलियंस की लड़ाई के वक्त वो हमारे सेना का लीडर था। और फिर यहाँ पर एलियंस की सेना उसके ऊपर भारी पड़ने लगी और फिर उसको एक गुफा में एक चमकते हुए क्रिस्टल दिखा जिससे हमने उस गुफा के अंदर से उन एलियन के ऊपर हमला किया और हम उसमें कामयाब हुए और हमारी जीत हुई। और फिर इस लड़ाई के बाद जेफ्रेट को वहाँ का राजा बनाया गया और क्रिस्टल को हमारे राज का प्रतीक। और वो राजा मेरे पिताजी थे, वो अचानक ही गुजर गए और जब मैं स्कूल में था और फिर जब मुझे राजा बनाया जा रहा था तब वो क्रिस्टल किसी ने चोरी कर लिया और सबको लगा कि मैं राजा बनने के योग्य नहीं। और फिर सीन शिफ्ट होता है तो हमें केविन और क्वेन दिखाई जाती है जहाँ पर बेन उससे बोलता है कि तुम लोग मेरे साथ चलोगे। पर केविन बोलता है अच्छा तो फिर जाना कहाँ है। और फिर बेन बोलता है कि हमें वहाँ जाना है चांद पर। और फिर इसके बाद हमें सिम का स्पेसशिप दिखाया जाता है जो चांद की तरफ जा रहा होता है। और यहाँ पर सिम बेन को बता रहा होता है कि हम इस किले के एंट्रेंस में कैसे दाखिल हो सकते हैं। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो ये लोग चांद पे पहुंच चुके होते हैं। तभी केविन बोलता है कि जरा बताओगे कि अष्टहातू का करना क्या है। और फिर यहाँ पर सिम बेन की टीम को बताता है कि ये देखो ये उनका सिक्योरिटी सिस्टम है और जो भी इनके संपर्क में आता है वो वहाँ पर ब्लास्ट कर देते हैं। और फिर बेन बोलता है कि मेरे तरफ तो देखना ही मत क्योंकि जब तक मैं सूट के अंदर हूँ जब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और फिर यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम उन लोगों को देख लेता है और उनके तरफ जाने लगता है। और फिर ग्वेन आगे जाती है, वो सारे सिक्योरिटी सिस्टम को तहस महस कर देती है। और यहाँ पर ग्वेन बोलते है कि तुम लोगों को क्या हुआ, तुम लोग अंदर जाओ। यहाँ पर वो तीनों चौंक गए थे। और फिर इसके बाद वो तीनों अंदर चले जाते हैं। तभी सिम एक पहिए को घुमाने लगता है और बेन और केविन भी उसकी मदद करते हैं। और फिर बेन बोलता है कि हम तुम्हारी मदद के लिए ही आए हैं सिम, बुला लिया करो। और फिर ये लोग अंदर चले जाते हैं। तभी ये लोग ग्रेविटी और ऑक्सीजन यहाँ पर ऑन कर देते हैं। और फिर यहाँ पर सिम एक और पहिए
को घुमाने लगता है और वो केवन और बेन से बोलता है कि थोड़ी मदद मिलेगी। और फिर जब ये लोग उस गेट को खोलते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी रॉबोट होते हैं और ये तुरंत उस गेट को बंद कर देते हैं। और फिर यहाँ पर सैम बोलता है तो फिर आप क्या करें, पर केवन बोलता है कि मैं हूँ ना। और फिर यहाँ पर उनके बीच केवन कून पड़ता है और सारे रॉबोट को मारने लगता है और केवन बोलता है कि तुम लोग निकलो, मैं थोड़ी देर में आया। और फिर यहाँ पर सैम केवन को एक मोबाइल देता है और एक बेन को देता है, तभी केवन बोलता है कि चांद पर मोबाइल। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ जाते हैं, तभी बेन बोलता है कि दाएं या बाएं। और फिर यहाँ पर सैम बोलता है अगर हम यहाँ पर रुके तो हमारा पापड़ बन जाएगा, जिस तरफ रास्ता दिख रही उसी तरफ भागो। और फिर यहाँ पर दोनों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं और वो दीवार बेन के ऊपर गिरने लगती है। और फिर यहाँ पर बेन और सैम दीवार को अपने ऊपर उठा लेते हैं, तभी बेन बोलता है क्या तुम मेरा और मैट्रिक्स को टच कर सकते हो, पर सैम बोलता है कि बहुत दूर है। तभी यहाँ पर केवन उनको कॉल करता है, वो बोलता है बेन कहाँ हो तुम, अपनी पोजीशन बताओ। और फिर बेन बोलता है कि यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है, जल्दी आओ अभी। और फिर यहाँ पर सैम बोलता है कि जब तक तुम उसका बटन नहीं दबाओगे तब तक तुम्हारी आवाज उसके पास नहीं पहुंचेगी। और फिर बेन यहाँ पर अपना पिछवाड़ा हिलाने लगता है, तभी सैम बोलता है कि बेन ये क्या कर रहे हो तुम। और फिर बेन बोलता है कि उस कोल चीज को उठाओ तुम। और फिर सैम उसको उठा लेता है, तभी बेन बोलता है कि बहुत अच्छे सैम तुम उसको फ्लोर पर ड्रॉप कर दो। और फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ा होल हो जाता है जिससे सैम और बेन उसमें कूद कर दूसरे वाले रूम में पहुंच जाते हैं। और फिर इसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, तभी स्पाइडर मंकी तो वहां से निकल जाता है पर बेन की एक लेजर पे लात रख जाती है जिससे वहां पर अलर्ट बजने लगता है। और फिर यहां का सिक्योरिटी गार्ड डरते हुए बोलता है कि हेलो कौन हो तुम, जो भी हो यहां से भाग जाओ। और फिर बेन बोलता है ये तो काफी डरा हुआ लगता है, और सैम उतने में ही वो स्पीकर को उखाड़ देता है। और फिर ये लोग एक बड़े से दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं, तभी सैम बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग इसे खोल पाएंगे, पर बेन बोलता है कि मुझे पता है कि कौन इसे खोल पाएगा, और वो बिग चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और यहाँ पर वो उस पूरे गेट को जमा देता है, तभी वो सैम से बोलता है कि लग जाओ कांध में, और सैम उसको पूरा तोड़ देता है। और फिर यहाँ पर उनका सिक्योरिटी गार्ड इंतजार कर रहा होता है। और फिर यहाँ पर वो गार्ड डरते हुए बोलता है कि अब मुझे ये भी बनाना पड़ेगा। और फिर सैम बोलता है कि मुझे लगता है बेन इसे भी पूरा ठंडा करना पड़ेगा, इसे पूरा जमा दो। और फिर बेन बोलता है कि ना ही मैं किसी को आइसक्रीम बनाता हूँ, ना ही मैं आइसक्रीम बेचता हूँ सैम। और फिर यहाँ पर सैम बोलता है कि लगता है ये काम मुझे ही करना पड़ेगा, वो उस गार्ड को नीचे फेंक देता है। और फिर बेन यहाँ पर जटरे में ट्रांसफॉर्म होता है और उसको बचा लेता है। और फिर सैम उस रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर वो क्रिस्टल रखा हुआ था। और फिर जब वो उसको उठाने के लिए जा रहा होता है तभी उसको एक बहुत बड़ा झटका लगता है, तभी यहाँ पर बेन आ जाता है, वो बोलता है कि इसका इलाज है मेरे पास, और वो ट्रॉमा स्टोन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और यहाँ पर वो सैम को बचा लेता है और वहाँ से दूर फेंक देता है। और बेन यहाँ पर उस क्रिस्टल को निकाल लेता है, तभी यहाँ की सारी लाइटें ऑफ हो जाती है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो बेन सैम से बोलता है कि मैंने उसको इसके अंदर रख दिया जिससे किसी के भी ऊपर उसका रेडिएशन का असर ना हो। और फिर यहाँ पर सैम बोलता है कि बेन लाओ वो मुझे दो। और फिर बेन बोलता है कि सैम मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मुझे तुम्हारा बनावटी अंदाज बहुत अच्छा लगा। और फिर वो स्पाइडर मंकी बेन के ऊपर हमला कर देता है, तभी बेन उसको पकड़ के दीवार में दे मारता है। और बेन बोलता है कि तुम किंग बनने के लायक ही नहीं हो, पर वो सैम बोलता है कि बेवकूफ ये मेरी बनाई हुई एक कहानी है, तुम जानते हो कि ये इंटरगैलेक्टिक सर्विस है जिससे जब हाइब्रिड अपना पृथ्वी पर कहर बरसाएगा तब तुम किसी को भी कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। और फिर इतना सुनने के बाद बेन को वहाँ पर गुस्सा आ जाता है और बेन उसको मारने लगता है। और फिर सैम बोलता है कि मेरे होते हुए तुम इस क्रिस्टल को कहीं नहीं ले जा सकते। और फिर बेन बोलता है कि ओ ह्यूमंगर सुर इसको आराम से ले जा सकता है। और फिर सैम उसको ऑमिट्रिक्स को यूज नहीं करने देता और उसको पकड़ के दूर फेंक देता है। और फिर सैम बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ह्यूमंगर सुर का इससे कोई वास्ता है, और उसको ऊपर हंसने लगता है। और फिर सैम यहाँ से भाग जाता है। रस्ते में उसको केविन भी मिलता है, केविन उससे पूछता है कि हे सैम वो बेन कहाँ है। और फिर तभी सैम बोलता है कि वो पीछे आ रहा है। और फिर सैम अपनी स्पेसशिप लेके वहाँ से भाग जाता है। और फिर इसके बाद हमें हाइब्रिड दिखाया जाता है, वो सैम से बोल रहा होता है कि लगता है तुमने बाकी उसको चकमा दे दिया है। और फिर सैम हाइब्रिड को वो क्रिस्टल देता है, तभी हाइब्रिड उस क्रिस्टल को खोलता है तो बोलता है कि ये कैसा मजाक है, और यहाँ पर उस क्रिस्टल के जगह डीएनए एलियंस का प्रोजेक्ट एसिड वाला होता है। और फिर यहाँ पर हाइब्रिड उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो बोलता है कि लगता है तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी, लेकिन अब सुनने की नौबत नहीं आएगी, ये एसिड तुम्हारे कान के अंदर में डाल देता हूं। और फिर इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है, मिलते हैं अगले एपिसोड में।